लोकसभा चुनाव का आज तीसरा और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। रायपुर सहित 7 सीटों पर मतदान जारी है। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने महदापाड़ा के दुर्गा कॉलेज पहुंचे। मतदान करने के बाद उन्होंने जीत का दावा किया। बृजमोहन अग्रवाल से मतदान स्थल पर पहुंचकर खास चर्चा की संवाददाता अंबिका मिश्रा ने। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव है और रायपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप निशान दिखाइएगा, लोकतंत्र का निशान आपको मिला है और कैसा लग रहा है वोट करके खुद के लिए? देखिए, बहुत खुशी है कि हमने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 400 पार के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए और देश के आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए वोट दिया है और ये वोट जो है ये सफल होगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार जो है लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि आप जीतने के बाद आप दिल्ली चले जाएंगे तो लोगों रायपुर के लोगों से क्या मोह कम हो जाएगा क्या? हम रायपुर में ही रहेंगे, मेरा घर यहीं है, मेरा परिवार यहीं है, तो लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले जैसा मैं था वैसे ही रहूंगा। एक अंतिम सवाल है, आप अभी क्षेत्र में भी अभी भ्रमण करेंगे, आज मतदान है, मतदाताओं को आप क्या संदेश देंगे रायपुर लोग? मतदाताओं को संदेश है कि घर से निकलें, गर्मी की परवाह और चिंता ना करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट अवश्य करें। 400 पार निश्चित है? निश्चित है। तो ये थी हमारी चर्चा रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी यानी कि केंद्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं का। लेकिन अब फिलहाल सारा परिणाम जो है इस चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में किसकी सरकार केंद्र में बैठती है। इस खास कवरेज के लिए ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार।